बेटी, तुमने अपनी मां और अपने मजहब दोनों को गलत समझा है। सच्चा प्यार अंधा होता है, वो मजहब के उसूलों को नहीं मानता, ममता की नसीहतों को नहीं सुनता। बेटे, वो सोच समझ कर नहीं किया जाता, हो जाता है। ऐसे प्यार का होना भूल नहीं हो सकती, जुर्म नहीं हो सकता। तो फिर क्या बदकिस्मती है, बगावत है? नहीं बेटे, खुशकिस्मती है। सच्चे प्यार से भरे हुए दिल का नाम जन्नत है। अम्मी जान, सच्चा प्यार जिस दिल में है बेटी, वो दिल दुनिया के तमाम मजहबों से ज्यादा पाक है। और कोई भी सच्चा मजहब प्यार के रास्ते की रुकावट नहीं बनता। ममता दो दिलों के बीच की दीवार का नाम नहीं है। तब तो कोई उलझन नहीं अम्मी जान। उलझन है बेटी, मजहब का भी एक रंग है। प्यार के रंग में दो इंसान रंगते हैं और मजहब के रंग में बहुत से इंसान रंगे हुए हैं। तो एक होने वाले इंसानों का एक रंग होना बहुत जरूरी है बेटी। मैं समझी नहीं अम्मी जान। कोई भी ऐसा मकान जिसकी दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे एक रंग के हो, अगर उसमें कोई दूसरे रंग की चीज आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए यही बेहतर है कि कोई दूसरे रंग की चीज उस मकान में लाने से पहले उसका रंग बदल दो, मकान के उस रंग में उसे रंग दो। आज तक जो कुछ भी आपसे कहा सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। क्यों, और कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मांगी भी तो माफी मिल जाएगी तो कुछ और मांगने की हिम्मत कर सकूंगी। रेहाना, जिसका जख्म भी तुम हो, मरहम भी तुम हो, दर्द भी तुम हो और दवा भी तुम हो। एक बात पूछो। पूछो। अगर मैं आपसे शादी करूं तो क्या आप मुझे मजहब बदलने के लिए कहेंगे? हरगिज नहीं। हिंदू धर्म एक मुसलमान औरत को जननी के रूप में कबूल करेगा? रेहाना, जननी का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसान है और जो जन्म लेता है वो भी इंसान है, ये हकीकत है रेहाना। और जो धर्म इस हकीकत को मानने से इनकार करेगा मैं उसे नहीं मानूंगा। तो क्या आप मुसलमान हो जाएंगे? ना मानने से मेरा मतलब यह नहीं कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, धर्म के ठेकेदारों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दूंगा। अगर आप हिंदू रहेंगे और मैं मुसलमान तो औलाद का मजहब क्या होगा? बाप हिंदू, मां मुसलमान और औलाद इंसान। आदाब फूफी जान। फूफी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। रेहाना का सामने वाले मकान में आना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, लेकिन उस आदमी पर मत कीजिएगा, वो शादीशुदा है। क्या? जी,